The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole. कहता है कि ये प्रोग्राम है वो बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर एक प्रकार से साउथ पोल के आसपास जाना है वो बड़ा असंभव है. एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित हुए बिना भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता. इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पार्लर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन दी कम्फर्ट जोन ऑफ अवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. कहता है ये वहाँ से बैठ करके जहाँ हम रहते हैं, जिस लेटीट्यूड और जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर हम रहते हैं, वहाँ पर कम्फर्ट जोन के अंदर बैठ करके आइस कैप्स को मेल्ट होते देखना, ठीक है, ये बड़ा आसान होता है. बट वेन वी कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस सेल्स कोलैप्सिंग, लेकिन जब मैं वास्तव के अंदर ग्लेशियर्स जो होते हैं, बर्फों के बड़े बड़े जो भंडार होते हैं, उनको टूटते हुए और उनको पीछे कम होते हुए देखते हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. तो उस वक्त क्या है कि हम लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है उसको हम वास्तविक रूप में जान सकते हैं. एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस. कहते जो एंटार्क्टिका है इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा नहीं है. इस कारण से ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है इस बात का अध्ययन करने के लिए कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर है वो बड़ी चीज़ों को कर सकती हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन्स दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न एशियन फूड चेन. कहता है एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन जो घास होती है ये वहाँ की पूरी जो फूड चेन है साउथ ओशियन के अंदर एंटार्क्टिका के ऊपर उसको कंट्रोल करती है. दी सिंगल सेल प्लांट्स आर दी सन यूज दी सन्स एनर्जी टू असेमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वॉन्ड्रस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये जो छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे प्लांट्स हैं ये सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ये एक प्रकार से वहाँ पर कंपाउंड बनाते हैं इस अद्भुत दिखने वाले प्लेनेट के ऊपर. इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. साइंटिस्ट वार्न दैट ए फर्दर डिप्लिक्शन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फोटोप्लैंक्टन. साइंटिस्ट ने ये हमें चेतावनी दी हुई है कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर और ज़्यादा सुराख होंगे, ये परत है उसके, अगर ये कमज़ोर होगी तो फोटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ प्रभावित हो जाएगी. विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैराइन एलिमेंट्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, जिसके कारण से वहाँ पर पाए जाने वाले जो पशु और पक्षी हैं उस क्षेत्र के वो प्रभावित होंगे. एंड दी कार्बन ग्लोबल कार्बन साइकिल, और हमारी कार्बन साइकिल है पूरे ब्रह्मांड की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी. इन दी पैरेबल ऑफ फोटोप्लैंक्टन्स देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस. टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. और फोटोप्लैंक्टन्स जो कि छोटी घास होती है उसकी देखभाल करने का मतलब ये है कि हमें छोटी चीज़ें को का अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ों का ख्याल है वो अपने आप ही रखा जा सकेगा. माई एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीस बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. मेरा जो एंटार्क्टिका के ऊपर सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस था वो 65.65 डिग्री साउथ के ऊपर घटित हुआ. शोकलवेस्की हैज मैनेज टू वेज हरसेल्फ इन टू ए थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन दी पेंसुला एंड टैडपोल आइसलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. और हमारा जो ये शिप था ये वहाँ पर एक तरह से फंस जाता है और हम आगे नहीं जा पाते पेंसुला एंड टैडपोल आइसलैंड के बीच में. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू
टर्न राउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने हमें कहा कि हम नॉर्थ की तरफ है वो आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर वी डिड, इससे पहले कि हम आगे जा सकें, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन दी गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन दी ओशियन, हम लोग हैं वो ओशियन के ऊपर चले। सो देयर वी वर ऑल ऑफ ऑल 52 ऑफ अस, हम 52 लोग थे, वो सारे थे, किटेड आउट इन गोर टेक्स एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन दिस स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्स टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और हम सफ़ेद चादर के ऊपर है वो जो फैली हुई थी उसके ऊपर चले जा रहे थे। अंडरनीथ अवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, हमारे नीचे है पैरों के नीचे एक फुट लंबा है वो बर्फ ही बर्फ था। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और उसके नीचे है वो नमकीन पानी था। इन दी पेरीफेरी क्रेबीटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फॉल्स, वहाँ पर सील जो जानवर है वो सूरज की थोड़ी बहुत जो गर्मी है उसको ले रहे थे, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर दी शेड्स ऑफ ए बनियन ट्री, जिस प्रकार से बनियन का जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके ऊपर उसके नीचे हैं वो आवारा कुत्ते हैं, वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कॉन्टैक्ट, और ये चीज़ हमें बता रही थी कि हर चीज़ वो एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्पियर्स लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन प्रे ऑन अवर प्लेनेट, और मैं 9 टाइम जोन क्रॉस करके और 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करके और 3 वो बड़े महासागर हैं और इतने ही इकोस्पियर्स को क्रॉस करके जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझे पता चला कि हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारे ग्रह के ऊपर हर चीज़ है वो बैलेंस के लिए बनी हुई है। हाउ वुड इट बी एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्मर प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी, एंटार्क्टिका है वो पहले गर्म हुआ करता था, ये कैसे हो सकता है। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वर्ल्ड और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स, क्या कभी हमारा भी डायनासोर्स की तरह से पतन हो जाएगा। मैन मॉथ्स एंड वूली रोहिनोज, हु इज टू से, कौन ये बात हमें बता सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद ए बंच ऑफ टीनेजर हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, कहता है जो समय मैंने वहाँ पर टीनेजर्स होते हैं 13 ईयर्स से लेकर के 19 ईयर्स के स्टूडेंट्स के बीच में, जो थोड़े आदर्शवादी हैं, जो पृथ्वी को, संसार को बचाना चाहते हैं, ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, कहता है बहुत सारी चीज़ों को घटित होने में करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन एक दिन है वो भी अंतर पैदा कर सकता है। तो स्टूडेंट आई होप दैट यू हैव you are able to understand the content of this chapter. In the next videos, we will do the question answers of this chapter. Till then, bye bye.